एंड योर सिलेबस इज कम्प्लीट, मैथ सिलेबस इज कम्प्लीट, मैथ्स का सिलेबस है वो कम्प्लीट हो चुका है, तो हम आज है वो मैथ्स का रिविजन लेसन नंबर 1 से 8 आपके एग्जाम में 1 से 8 लेसन तक आने वाले हैं, हम उसका आज रिविजन करेंगे, वो भी पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग हम रिविजन करने वाले हैं। तो नाउ स्टार्ट द रिविजन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी पेपर स्टाइल में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है? यस, द फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ए, राइट द नंबर into words any 4 and 4 marks। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द नंबर इनटू वर्ड, आपको नंबर्स दिए हैं एंड आपको उसके स्पेलिंग्स यानी कि नंबर नेम लिखने हैं एंड वो एनी 4 यानी कि आपको कोई भी 4 नंबर्स के नंबर नेम लिखने हैं। फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 1 नंबर, 1 नंबर आपको दिया है 24, तो 24 आपको दिया हुआ है, तो 24 का नंबर नेम कौन सा है तो वो आपको लिखना है। 24 का नंबर नेम आपको इधर ब्लैंक दी हुई है उसमें लिखना है। 24 का नंबर नेम क्या आता है? फर्स्ट आपको 20 TWENTY 24 दिया हुआ है तो आपको लिखना है 24 एंड 4 का स्पेलिंग क्या आएगा? यस, FOUR 24। टू नंबर में आपको दिया हुआ है 53 तो आपको 53 का नंबर नेम लिखना है। 53 का नंबर नेम क्या आता है तो आपको पहले 53 FIFTY एंड 3 53 3 का स्पेलिंग THREE 53। आपको जो मैंने इधर जो करवा रही हूँ मैं नंबर्स एंड नंबर्स नेम राइट द नंबर इनटू वर्ड ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। थर्ड नंबर 49 आपको थर्ड नंबर दिया हुआ है 49 तो आपको लिखना है 40 का स्पेलिंग क्या आता है? FORTY एंड 9 का स्पेलिंग यस NINE 49 तो आपको लिखना है 49 ये आपके नंबर इनटू वर्ड्स हैं। फोर नंबर में आपको दिया हुआ है 12 तो आपको किसका स्पेलिंग लिखना है? यस, तो आपको 12 का स्पेलिंग लिखना है। 12 का स्पेलिंग क्या आता है? TWELVE 12। एंड नेक्स्ट फाइव नंबर में आपको दिया है स्पेलिंग, कौन सा नंबर दिया हुआ है? यस, आपको 100 का दिया हुआ है तो आपको किसका स्पेलिंग लिखना है? यस, 100 का स्पेलिंग क्या आता है? HUNDRED 100 ये आपको 100 का स्पेलिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर आपको एनी 4 मार्क्स के हैं इसलिए आपको एनी 4 कोई भी लिखने हैं। नंबर इनटू वर्ड यानी कि आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर चेक करना है कौन सा नंबर दिया हुआ है आपको एंड नेक्स्ट उसके बाद आपको उसका नंबर नेम लिखना है यानी कि उसका स्पेलिंग वो करना है। सिक्स नंबर
सिक्स नंबर में आपको दिया हुआ है 79 79 का कौन सा स्पेलिंग आएगा? तो फर्स्ट आपको लिखना है 79, ये आपको आता है एंड आपने इसके पहले के चैप्टर्स में भी किया हुआ है 79 ये है 79 का स्पेलिंग SEVENTYNINE 79 नेक्स्ट नंबर आपको दिया है यस कौन सा नंबर है स्टूडेंट यस 99 आपको 99 नंबर दिया हुआ है तो आपको लिखना है 99 का स्पेलिंग NINETY 99 नेक्स्ट एट नंबर में आपको दिया हुआ है 43 आपको क्वेश्चन नंबर वन में कोई भी नंबर्स 1 to 100 में एनी कोई भी नंबर्स आ सकते हैं आपको चेक करना है एंड फिर आपको उसका स्पेलिंग में वो फिल करना है अभी ब्लैंक में 43 ये है आपका 43 का स्पेलिंग 9 नंबर आपको कोई भी स्पेलिंग दिया होगा एनी 1 to 100 में एनी कोई भी स्पेलिंग आ सकता है तो इधर आपको दिया है 10 का तो आपको 10 का स्पेलिंग आता ही है तो TEN 10 एंड नेक्स्ट 10 नंबर में आपको दिया हुआ है 90 तो आपको इसका स्पेलिंग लिखना है 90 का NINETEEN 90 इधर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट इसमें दिया हुआ है आपको
कौन सा स्पेलिंग दिया हुआ है सेकंड नंबर में 28, तो आपको क्या लिखना है? यस 28। ये आप एच के जी में भी कर सकते हैं, बट इधर हम रिवाइज कर रहे हैं 30, 35। यस कौन सा स्पेलिंग दिया हुआ है? 35 का स्पेलिंग दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 30, 35। फोन नंबर नंबर्स फिल करने हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 68 दिया हुआ था, आपको पता चल गया है कि पहले आपको 6 and 8, 68 ये है वो आपको आपकी मैथ्स की रिवीजन बुक में रिवीजन है वो लिखना है। रिवीजन बुक में यानी कि आपको आपकी मैथ्स की बुक में रिवीजन है वो कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 6 नंबर में आपको दिया हुआ है 72। कौन सा स्पेलिंग दिया हुआ है? यस 72 का स्पेलिंग दिया हुआ है, तो आपको क्या लिखना है ब्लैंक में? 72। सेवन नंबर 18, तो आपको क्या लिखना है? 18, yes, 18। Next, 8 number, 8 number में आपको दिया हुआ है N-I-N-E, 19, yes, 93 दिया हुआ है, तो क्या लिखना है? 93 लिखना है। 9 नंबर में आपको दिया हुआ है 100, यस 100, 100 में कैसे लिखोगे आप? 100। 10 नंबर में आपको स्पेलिंग दिया हुआ है 5, ये तो बहुत इजी है, तो आपको लिखना है 5। ये आपको आपकी मैथ्स बुक में भी कंप्लीट करना है रिवीजन। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1C, 1C में आपको दिया हुआ है राइट बिफोर एंड आफ्टर नंबर। आप लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर नंबर दोनों मिक्स आने वाले हैं, बिफोर एंड आफ्टर नंबर, पहले तो आपको चेक करना है
कि बिफोर नंबर कौन सा है एंड आफ्टर नंबर कौन सा है, तो बिफोर एंड आफ्टर नंबर दोनों 5 मार्क्स के मिक्स आने वाले हैं, तो आपको चेक कर लेना है कि कौन सा बिफोर है एंड कौन सा आफ्टर है। फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 35, तो फर्स्ट चेक करना है बिफोर नंबर है या आफ्टर नंबर है। फर्स्ट आपको ब्लैंक दी हुई है एंड नेक्स्ट आपको नंबर दिया हुआ है, तो ये बिफोर नंबर यानी कि आफ्टर नंबर है, तो 35 के पहले यानी बिफोर नंबर 35 के पहले, तो कौन सा नंबर आया 35 के पहले? यस 35 के पहले आता है 34, तो ये बिफोर नंबर है। आपको ब्लैंक चेक करनी है कि पहले ब्लैंक दी हुई है या नंबर दिया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, यस नेक्स्ट आपको नंबर दिया हुआ है एंड फिर ब्लैंक दी हुई है, तो आपको इसका कौन सा नंबर लिखना है? यस आफ्टर नंबर लिखना है। आफ्टर नंबर मतलब कि 46 के बाद कौन सा नंबर आता है? यस 46 के बाद आता है 47। स्टूडेंट आपको क्लियरली बता रही हूँ कि फर्स्ट आपको ब्लैंक चेक करनी है, नंबर चेक करना है। फर्स्ट आपको पहले आपको ब्लैंक दी हुई है तो वो बिफोर नंबर है एंड नेक्स्ट आपको ब्लैंक दी हुई है, नंबर दिया हुआ हो पहले एंड फिर ब्लैंक दी हुई है तो वो आफ्टर नंबर है, वो आपको चेक करना है। एंड थर्ड नंबर में आपको दिया हुआ है 50। फर्स्ट आपको नंबर दिया हुआ है एंड नेक्स्ट आपको ब्लैंक दी हुई है, तो आपको इसमें क्या फिल करना है, आफ्टर नंबर या बिफोर नंबर? इसमें आपको आफ्टर नंबर फिल करना है कि 51 के बाद कौन सा नंबर आता है आफ्टर? यस 51 आता है। नेक्स्ट फोर नंबर 51, आपको ब्लैंक दी हुई है एंड फिर आपको नंबर दिया हुआ है 90 नंबर। क्या दिया हुआ है? पहले आपको ब्लैंक दी है एंड फिर आपको नंबर दिया हुआ है, तो आपको इसमें कौन सा नंबर फिल करना है, बिफोर या आफ्टर? ब्लैंक पहले है इसलिए आपको बिफोर नंबर फिल करना है, तो 90 दिया हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? यस 18 है, वो बिफोर नंबर है। तो आपको पहले तो ब्लैंक चेक करनी है, नंबर चेक करना है कि नंबर है या ब्लैंक है, पहले वो आपको चेक करनी है। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 27 दिया हुआ है एंड पहले ब्लैंक है एंड फिर नंबर है, तो इधर आएगा 26 है, वो बिफोर नंबर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 6 नंबर में आपको दिया हुआ है 89 एंड फिर ब्लैंक दी हुई है, तो कौन सा नंबर आएगा? 9019, तो ये आफ्टर नंबर है 778 एंड फिर आपको ब्लैंक दी हुई है, तो क्या आएगा आंसर? 79 है, वो आफ्टर नंबर है, इसलिए नेक्स्ट आपको ब्लैंक दी हुई है एंड फर्स्ट है, वो नंबर दिया हुआ है 8 नंबर। अभी आपको बताना है कि ये बिफोर नंबर आएगा या आफ्टर नंबर आएगा। यस तो इधर आएगा बिफोर नंबर, क्योंकि फर्स्ट आपको ब्लैंक दी हुई है एंड फिर आपको नंबर दिया हुआ है, तो 67 दिया हुआ है, तो ब्लैंक में 66 आंसर आएगा। 9 नंबर में आपको दिया हुआ है 2, तो आंसर क्या आएगा? यस 1 है, वो बिफोर नंबर है एंड 2 है, वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 39 दिया हुआ है, आंसर क्या आएगा? यस 4040, तो ये आफ्टर नंबर है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ब्लैंक पहले दी हुई है वो बिफोर नंबर है एंड पहले नंबर दिया हुआ है एंड फिर ब्लैंक है, तो वो आफ्टर नंबर है। आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर दोनों मिक्स आने वाले हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2A फिल इन द करेक्ट सिंबल। आपको इसमें सिंबल ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल आपको फिल करना है। तो आप पहले चेक कर सकते हैं वन नंबर में आपको दिया है 9, फिर ब्लैंक दी हुई है एंड 3 दिया हुआ है। तो आपको इसमें लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल मैंने आपको सिखाया था कि जिस साइड बिग नंबर हो उस साइड कौन सा आता है ग्रेटर देन एंड स्मॉल साइड यानी स्मॉल नंबर हो उससे जाता है लेस देन। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं फर्स्ट नंबर में क्या आएगा। यस फर्स्ट नंबर में 9 नंबर है वो बिग है एंड 3 नंबर है वो स्मॉल है। तो आप इसमें फिल कर सकते हैं ग्रेटर देन दो बॉक्स फिल करना है आपको ग्रेटर देन। नेक्स्ट 2 नंबर में आपको दिया है 4 एंड 9। तो आप चेक कर सकते हैं 4 है वो स्मॉल है एंड 9 है वो बिग है। तो आप इसमें क्या फिल करेंगे यस सॉरी इसमें आपको लेस देन फिल करना है। आपको चेक करना है जिस साइड मैंने बोला था कि जिस साइड आपको स्मॉल नंबर हो उस साइड आपका ये पॉइंट है वो आना चाहिए एंड जिस साइड बिग नंबर है उस साइड ओपन वाली साइड है वो आनी चाहिए। सो फर्स्ट नंबर में भी आपको इधर लेस देन फिल करना है। फर्स्ट में आपको इधर लेस देन फिल करना है। फर्स्ट नंबर में स्मॉल नंबर इस साइड है एंड सेकंड नंबर में स्मॉल नंबर 4 है। तो आपको फर्स्ट में लेस देन एंड सेकंड में ग्रेटर देन है वो फिल करना है एंड थर्ड नंबर में दोनों नंबर की वैल्यू इक्वल है इसलिए हम क्या लिखेंगे इक्वल टू इसे हम बोलते हैं इक्वल टू। नेक्स्ट 4 नंबर में आपको दिया हुआ है 5 एंड 7। तो आप चेक कर सकते हैं दिस इज द बिग नंबर स्मॉल नंबर एंड दिस अ बिग नंबर। तो आप इसमें फिल कर सकते हैं लेस देन। तो लेस देन है वो राइट है या रॉन्ग है तो लेस देन है वो राइट है क्योंकि ये स्मॉल नंबर है एंड ये बिग नंबर है। बिग नंबर की साइड ओपन वाली आनी चाहिए एंड स्मॉल साइड स्मॉल नंबर दिया है उस साइड ये पॉइंट आना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 10 एंड 3। तो इसमें से आपको क्या आएगा ग्रेटर देन आएगा लेस देन आएगा या इक्वल आएगा यस इसमें आएगा लेस देन। तो लेस देन का सिंबल है वो फिल करना है। 6 नंबर में आपको दोनों नंबर्स है वो इक्वल दिए हुए हैं दोनों नंबर की वैल्यू सेम है इसलिए हम इक्वल टू फिल करेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर में आपको 0 एंड 2 दिया हुआ है। तो 0 है वो स्मॉल है 2 है वो बिग है। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे यस लेस देन फिल करेंगे। नेक्स्ट सॉरी हाँ लेस देन फिल करेंगे। नेक्स्ट 10 एंड 9 दिया हुआ है तो हम फिल करेंगे ग्रेटर देन। नेक्स्ट 3 एंड 4 दिया हुआ है तो चेक कर सकते हैं 3 है वो स्मॉल है एंड 4 है वो बिग है। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे यस लेस देन फिल करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 9 एंड 9 वो है वो इक्वल है इसलिए हम इक्वल फिल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द करेक्ट सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2B ड्रॉ द बिट्स ऑन द अबेकस टू रिप्रेजेंट गिवन द नंबर। आपको इधर अबेकस दिया हुआ है एंड नंबर्स भी दिए हुए हैं। आपको नंबर्स नेम लिखने हैं किसी में नंबर्स लिखने हैं एंड किसी में आपको अबेकस में बिट्स है वो ड्रॉ करने हैं। इधर आपको अबेकस दिया हुआ है एंड इधर आपको नंबर नेम भी दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में आपको दिया हुआ है 51 तो आपको ब्लैंक में लिखना है 51 एंड आपको रिप्रेजेंट भी करने हैं बिट्स ड्रॉ करके। तो फर्स्ट है वो 10 है एंड नेक्स्ट है वो 1 है। तो टी इधर आपको टी दिया हुआ है तो टी में आप 5 सर्कल करेंगे एंड वंस में यस वन सर्कल करेंगे एंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 43 तो हम पहले 43 का स्पेलिंग लिखेंगे FORTY53 एंड रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है वो टी है तो 4 करना है 4 बिट्स ड्रॉ करने हैं एंड नेक्स्ट 3
वन टू एंड थ्री ड्रॉ करने हैं। ये आपको आपकी मैथ्स की रिवीजन में कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट टू नंबर एनी फाइव दिए होंगे आपको, एनी फाइव ही करने हैं। थ्री नंबर में आपको दिया हुआ है, थ्री नंबर में आपको दिया हुआ है 12। तो आपको फिल करना है, फर्स्ट आपको 12 का स्पेलिंग लिखना है। 12 का स्पेलिंग टी डब्ल्यू ई एल वी ई एंड नंबर आपको बिट्स ड्रॉ करने हैं टेंस एंड नॉन्स में। इधर आपको एक ही टेंस दिया हुआ है तो आप टेंस में वन सर्कल करेंगे एंड नॉन्स में टू। नेक्स्ट नंबर टू है एंड वो वन है इसलिए हम टू सर्कल करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 23 में आपको स्पेलिंग लिखना है टी डब्ल्यू ई एन टी वाई एन टी एच आर डबल ई 23 एंड आपको अबेकस में भी बीट्स ड्रॉ करने हैं। तो आपको इधर चेक करना है टू है वो टेंस है एंड थ्री है वो वन है। तो फर्स्ट बीट्स में हम फर्स्ट अबेकस में क्या ड्रॉ करेंगे, यस टू बीट्स ड्रॉ करेंगे वन एंड टू। टू है वो टेंस है एंड थ्री है वो वन है। तो वन में हम कितने बीट्स ड्रॉ करेंगे, यस थ्री बीट्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है फाइव नंबर, फाइव नंबर में आपको दिया हुआ है 44, यस 44 दिया हुआ है। एंड आपको करना है लिखना है F O R T Y F O U R एंड बीट्स ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट 10 में हम 4 बीट्स ड्रॉ करेंगे एंड वंस में भी 4 ही करेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द बीट्स एंड रिप्रेजेंट द नंबर्स इन अबेकस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर टू आपको, क्वेश्चन नंबर टू सी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट फॉर द फॉलोविंग्स। आपको इसमें आप लोगों ने लेसन नंबर 6 में प्लेस वैल्यू सीखी थी, तो अभी हम इसमें आपको क्वेश्चन नंबर टू में भी प्लेस वैल्यू दी हुई है। आपको एनी फोर प्लेस वैल्यू लिखनी है। मैंने आपको सिखाया था प्लेस वैल्यू आपको कैसे लिखनी है। प्लेस वैल्यू में आपको लिखना है 6, 10 एंड 2 वंस। आंसर है 6, 6, 10 एंड 2 वंस। वंस आपको इसमें लिखना है 6, 10 एंड 2 वंस। सॉरी आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इधर नंबर नंबर एंड आपको इधर 6, 10 एंड 2 वंस ऐसे लिखना है। 6, 10 एंड 2 वंस। 6 है वो कौन सी प्लेस पे है, 10 की प्लेस पे है एंड 2 है वो 1 की प्लेस पे है, इसलिए 6, 10 एंड 2 वंस। ये आप लेसन नंबर चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने
सीखा था। नाउ नेक्स्ट आपको 5 10 5 10s एंड 9 1s ये आपकी प्लेस वैल्यू है, आपको ऐसे ही प्लेस वैल्यू करनी है। नेक्स्ट 3 नंबर में 4 10 4 10s एंड 2 1s आपको फर्स्ट नंबर चेक करना है, 4 है वो 10 की प्लेस पे है एंड 2 है वो 1 की प्लेस पे है, इसलिए हम इधर 4 10s एंड 2 1s लिखेंगे। नेक्स्ट आपको 61 दिया हुआ है तो आपको लिखना है 6 10s एंड 1 है वो 1 टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हम 1 है वो 1 ही लिखेंगे, s नहीं लिखना है उसमें क्योंकि 1 है वो 1 टाइम दिया हुआ है, इसलिए 5 नंबर 8 10s एंड 9 1s 9 1s 6 नंबर 73 73 में 7 है वो 10 की प्लेस पे है एंड 3 है वो 1 की प्लेस पे है, यस 1 की प्लेस पे है। नेक्स्ट 7 नंबर में आपको 94 नंबर दिया हुआ है तो आपको करना है 9 10 9 10s एंड कौन सा नंबर है 4 तो आपको लिखना है 4 1s ये है आपकी प्लेस वैल्यू। ये आपको इंग्लिश आपको मैथ्स की बुक में कंप्लीट करना है, रिवीजन है वो आपको मैथ्स की बुक में कंप्लीट करना है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 एट द फॉलोइंग्स यानी कि आपको प्लस वाले सम्स दिए हैं, एनी 5 आपको करने हैं तो आपको मैंने सिखाया था कि आपको काउंटिंग है वो कैसे करनी है। ये आपको 3 दिया हुआ है तो आपको कितने सर्कल करने हैं, यस 3 सर्कल करने हैं एंड 2 दिया हुआ है तो 2 सर्कल करें। आप फिंगर काउंट कर सकते हैं, बीट्स काउंट कर सकते हैं एंड सर्कल काउंट कर सकते हैं, करके भी काउंट कर सकते हैं, तो हम सर्कल करके ही काउंट करेंगे। आपको इधर 3 दिया हुआ है इसलिए मैंने कितने सर्कल किए हैं, यस 3 किए हैं एंड इधर 2 दिया हुआ है तो 2 दिए हुए हैं एंड अभी आपको इसमें सारे सर्कल है वो काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 एंड 5 तो यस 5 तो आंसर इज 5। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 4 तो आप कितने सर्कल करेंगे, यस 4 1 2 3 एंड 4 सर्कल किए हैं मैंने एंड नेक्स्ट नंबर आपको क्या दिया हुआ है, यस नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 3 तो मैंने 3 सर्कल किए हैं तो आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कितने सर्कल हुए 7 तो आंसर है वो 7। प्लस में आपको दोनों के सर्कल करने हैं एंड फिर आपको काउंट करना है तो आंसर आया 7। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 4 तो कितने सर्कल करेंगे आप 4 एंड नेक्स्ट सेकंड नंबर वो भी 4 दिया हुआ है तो आप कितने सर्कल करेंगे 4 एंड फिर आपको सारे सर्कल है वो काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तो आंसर आएगा 8 तो आपको आंसर क्या लिखना है, यस 8 लिखना है। नेक्स्ट आपको 2 दिया हुआ है तो हम कितने सर्कल करेंगे 2 एंड 0 है तो 0 में हमें कोई सर्कल नहीं करने हैं तो 0 है इसलिए हम कोई भी सर्कल नहीं करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यस आंसर है वो 2 ही आएगा। नेक्स्ट वैसे आपको करना है 3 एंड प्लस 3 कितने होते हैं, यस 6 होते हैं एंड नेक्स्ट 4 1 2 3 एंड 4 4 सर्कल करने हैं एंड 0 है इसलिए हम कोई सर्कल नहीं करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 का 4 ही आएगा। नेक्स्ट आपको करना है 2
वन एंड टू एंड नेक्स्ट वन एंड टू, कितने हुए वन टू थ्री एंड फोर, तो आंसर आपको लिखना है फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग। इसमें आपको फर्स्ट, इसके पहले का क्वेश्चन आप लोगों ने ऐड किए थे, अभी आपको इसमें कट करने हैं। अगर आपको 5 माइनस 2 दिया हुआ है तो आपको 5 सर्कल करने हैं, 5 सर्कल करने हैं एंड उसमें से 2 है वो कट कर देने हैं, 2 कट कर देने हैं। कितने बचते हैं? यस 3, तो आंसर आएगा 3, तो आपको लिखना है 3। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2, 2 दिया हुआ है तो 2 में से 0 कट नहीं होता है, तो आंसर क्या आएगा? यस 2 का 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट 3 नंबर में आपको दिया हुआ है 4, 4 दिया हुआ है तो 4 सर्कल करने हैं एंड 4 है वो कट करने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 सर्कल किए एंड 4 कट करने हैं, तो कोई भी सर्कल नहीं बचा तो इधर आएगा आंसर 0, तो आपको लिखना है 0। नेक्स्ट आपको दिया है 4 नंबर में 5, तो आपको 5 सर्कल करने हैं, 5 सर्कल करने हैं एंड 3 उसमें से क्या करने हैं? कट, यानी कि माइनस करने हैं, कट कर देने हैं, तो आप 3 कट कर दो तो कितने बचते हैं? यस 2, तो 2 है वो आपका आंसर है, तो 2 आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया है 8, तो आपको कितने सर्कल करने हैं? 8 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सर्कल करने हैं एंड 4 है वो कट करने हैं, 4 मैंने कट कर दिए हैं तो कितने बचते हैं? यस तो काम कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, तो आंसर क्या आएगा? यस आंसर है वो 4 आएगा। नेक्स्ट आपको 6 दिया हुआ है तो आप कितने सर्कल करेंगे? यस 6 सर्कल एंड कट कितने करने हैं? नेक्स्ट 2 ना 3 दिया है तो 3 कट करने हैं, तो कितने बचे? 3, तो आंसर आएगा 3, तो आंसर में आपको 3 लिखना है। नेक्स्ट 7 दिए हैं, 7 नंबर में तो आपको 7 सर्कल करने हैं एंड कट कितने करने हैं? यस 4 दिया है तो 4 है वो कट करने हैं, 4 कट कर दिए तो कितने बचे? यस 3 बचे, का आंसर आएगा 3, तो 3 है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3C, राइट द टेबल, आपको एनी वन, ये दोनों में से एनी वन यानी एक ही टेबल आपको लिखना है। इधर मैंने 2 का एंड 3 का टेबल लिखा है, आपको एक ही टेबल, कोई भी एक टेबल लिखना है। तो फर्स्ट 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। नेक्स्ट 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 20, 1 3 8 जा 20, 4 3 9 जा 27, 3 10 जा 13। इधर आपको 2 एंड 3 का टेबल है वो आपकी मैथ्स की बुक में कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपने रिवीजन लिखा हुआ है उधर एनी वन, 2 या 3 दोनों में से कोई भी एक टेबल आ सकता है, वो आपको लर्न करना है। नाउ इधर आपका रिवीजन है वो मैथ्स का कंप्लीट होता है। नथिंग।